हरियाणा में डॉक्टर की हड़ताल चल रही है। आपको बता दें, आज सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया था। सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में डॉक्टरों की तरफ से यह हड़ताल की गई है। डॉक्टरों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया। डॉक्टरों ने कहा, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो 29 दिसंबर को ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, नूह, पलवल, पंचकुला और यमुनानगर की। देखिए, बहुत सी जगह मरीजें पहुंचे हुए हैं, मरीजों की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। बहुत से मरीज नहीं जानते थे कि आज हड़ताल के ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं फिलहाल चल रही है, लेकिन 29 तारीख को कहा यह जा रहा है कि ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। और पानीपत में भी देखिए, डॉक्टरों की हड़ताल रखी है। पानीपत में किस तरह का असर रहा है इस हड़ताल का, जायजा लिया है खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डू ने। इस वक्त हम पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित हुई है, क्योंकि ओपीडी में डॉक्टर नहीं लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हम डॉक्टर से बातचीत करें। डॉक्टर साहब, किस हड़ताल की वजह क्या है और कब तक चलेगी आप लोगों की? देखिए, ये मुख्य रूप से 4 डिमांड्स हैं जो जनहित में ध्यान रखते हुए लोगों की अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए की गई हैं। उनमें से स्पेसिस काडर है, 4 ACP का मुद्दा है जो हेल्थ मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन वो फाइल वहाँ से निकल के ACS फाइनेंस के पास है, लेकिन अभी तक उसके पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया आगे चलकर, अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी गई तो? देखिए, अगर इस बात पे इतना पूरे हरियाणा में सब तरह की ओपीडी सेवाएं बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं चालू हैं, इसके बावजूद भी सरकार के कानों में अगर कोई गूंज नहीं गिरती है तो हम इसको 29 तारीख से फुल फ्लैज इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, ओपीडी सब तरह की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। आपकी पहली जो मांग है वो स्पेशल कैडर को लेकर है, वो क्या कुछ है बताना चाहेंगे आप? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी मांगे उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 3 डिमांड हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की संख्या को बढ़ाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट काडर, जिसके अंदर 4th ACP, जिसके अंदर ये अपनी PG पॉलिसी वाला है, ये सभी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपस्थिति मरीजों को मिले सरकारी अस्पताल के अंदर, उसी सब के लिए। आपने SMO की डायरेक्ट भर्ती की भी वो बंद करने की मांग की है, उसमें क्या वजह, क्या उसके पीछे की वजह क्या? देखिए, उसमें अगर मान लो आप डायरेक्ट SMO भर्ती करते हैं, उसका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि 5 साल के बाद और PG डिग्री होनी चाहिए। अभी मेरे पास PG की डिग्री है और 5 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। अगर डायरेक्ट SMO की पोस्ट निकलती है तो मैं भी एलिजिबल हो गया, मैं भी अप्लाई करूँगा। तो अगर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अभी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हूँ, OPD भी देखता हूँ, ऑपरेशन थिएटर भी देखता हूँ, रात में ड्यूटी भी कराता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट SMO का मैंने एप्लीकेशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर स्विच कर जाऊँगा, पहली बात ये। दूसरा ये कि मेरा पे इंक्रीमेंट अच्छा खासा होगा, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। तीसरा ये कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कैडर है, जो लोग हैं, उनका प्रमोशन डिले हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर हड़ताल पर है, इन्होंने साफ तौर पर सरकार को ये वार्निंग दी है कि समय रहते इनकी मांगे नहीं मानी गई। जो 4 मुख्यतः मांगे हैं, जिसमें SMO की डायरेक्ट भर्ती हो, PG पॉलिसी में बदलाव हो, स्पेशल कैडर हो और कुछ अन्य मांगे भी है, जिनको लेकर इस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पानीपत के तमाम डॉक्टर जो है बैनर के नीचे यहाँ पर हड़ताल पर हैं और आज सिर्फ OPD सेवाएँ बंद कर दी गई है। लेकिन डॉक्टरों ने साफ तौर पर हरियाणा सरकार को साफ तौर पर हिदायत ये दी है, समय रहते, सिर्फ हरियाणा सरकार के पास 1 दिन का वक्त है, तब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो इमरजेंसी सेवाएं, वो चाहे पोस्टमार्टम हो या फिर ऑपरेशन हो, वो सभी सेवाएं पूर्ण तौर पर बंद कर दी जाएगी। अपने सहयोगी पवन के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत।